दोस्तों भाई, आज मैंने अपनी मशीन के पैर दोबारा से वापस उतार लिए हैं, जो कि कहाँ पर रखे थे, जो कि रखे थे मेरी किचन में सबसे ऊपर वहाँ पे। वहाँ से मैंने सामने वाली मेरी कंता फ्रेंड को बुला के ऊपर से मशीन उतरवा ली, पैर इस पे चढ़ के दोनों जनियों ने उतार ली। तो मैंने इसको रखा है बाहर वाले रूम में, ऊपर किचन में होने की वजह से बहुत गंदी हो गई है। ये मेरी इंटरलॉक वाली मशीन है और ये मेरी बिजली वाली है अम्ब्रेला मशीन, मैं इसको रखूँगी। इस पर काफ़ी टाइम से पड़ी थी, 1 साल हो गए, तो देखो कितने गंदा हो रखा है। ये देखो, ये वाइट है बिल्कुल, देखो ऊपर पड़े 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 गंदी हो गई, और ये उतर भी नहीं रहा है, गर्म पानी से उतारना पड़ेगा। यहीं पड़े थे बेटा, देखो कितना गंदा हो रहा है, ये वाइट है बिल्कुल। ये साफ़ करूँगी ना तब साफ होगी। कपड़े से साफ़ करने में तो मेरे महीनों लग जाते हैं, तो मैं तो बर्तन साफ़ करने वाला जूना ले आई, और इसके साथ इसको फटाफट फटाफट से कर दूँगी इसकी सफाई। 1 साल से ऊपर हो गया था इसको, 1-2 साल हो गए थे शायद ऊपर रखी को। तो वो किचन में छोक वोकते हैं ना, सब्जी वब्जी बनाते हैं तो उससे हो ही जाती है गंदी, कुछ भी सामान हो जाता है ज़्यादा दिन तक, डिब्बे साफ ना करो तो डिब्बे भी हो जाते हैं। तो मैं इसको फटाफट से इसको कर देती हूँ, देखो कितना डिफरेंस लग रहा है, देखो भाई वो कितना साफ है, वो कितना गंदा है, ये देखो उसमें और इसमें कितना फर्क लग रहा है ना, देखो भाई। अब ये और मैं अपना फटाफट से साफ कर दूंगी, कपड़े से नहीं होएगा तो मेरे को यहाँ पे दोबारा से अपना लेके आना पड़ेगा साबुन, बर्तन साफ करने वाला जूना, और फटाफट फटाफट से कर दूंगी साफ। मेरी मशीन वापस से चमक रही है, रुद्र का नाम लिख रखा मैंने, रुद्र रुक जा बेटा शोर मत कर। ये मैंने मशीन कर दिया बिल्कुल तैयार, हो गई है मेरी ओकी, ये स्पीड हो रही है, बाद में इसको सेट कर दूंगी। थैंक यू दोस्तों, मैं दोस्तों मेरा ये ब्लॉग था भाई, 3-4 सूट सिलने, अब नहीं मेरे से सिलने लगते थे, मशीन रख ली है तो मैं सिल लूँगी। थैंक यू।